हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग जी। माँ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और वही सीरीज पुनः प्रारंभ करेंगे जिसमें हमने इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। तो अब क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, यह 2005 PCS में पूछा गया था और 2008 RORM में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। विकल्प दिया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। 1828 ईस्वी में 1823 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी द्वारकानाथ महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और एक अन्य व्यक्ति को इन्होंने सौंप दिया। आगे चल करके 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर आर्य समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े और 1856 ईस्वी में आचार्य केशव चंद सेन किससे जुड़े, तो वो भी ब्रह्म समाज से जुड़े। ब्रह्म समाज से 1856 ईस्वी में आचार्य केशव चंद सेन जुड़े और बाद में जो है सर्वे सर्वा आचार्य केशव चंद सेन को बना करके देवेंद्रनाथ टैगोर हिमालय की वादियों में तपस्या के लिए चले गए। लेकिन जब वापस वो आए 1866 ईस्वी में, तो उन्होंने देखा कि आचार्य केशव चंद सेन ने इसमें सभी धर्मों के लोगों को सम्मिलित कर दिया था। एक्चुअली में यह विचार राजा राम मोहन राय का था। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, 1866 ईस्वी में उन्होंने जो है आचार्य केशव चंद सेन से आचार्य की पदवी छीन ली। आगे चल करके 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद सेन भारतीय यानी कि ब्रह्म समाज से पृथक होकर के उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज 1867 ईस्वी में गठित किया। और बाद में जो ब्रह्म समाज था आचार्य केशव चंद सेन के समय, वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। फिर आगे चल करके आचार्य केशव चंद सेन के उनके शिष्यों से कुछ मतभेद हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महज 13 वर्ष की उम्र कूचबिहार के राजा के साथ किया, जिससे इनके शिष्य आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ये दोनों इनसे अलग हो करके 1878 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि 1878 में उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में गठित किया गया। कैसे अलग होकर के, भारतीय ब्रह्म समाज से। जिसमें पूछा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आपका आंसर होगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद सेन से 1867 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज की। ठीक है फ्रेंड्स।